झरिया में सोमवार को भूमिगत आग की वंदना की गई। अग्निदेव का आह्वान किया गया कि अब बस भी करो, बहुत हो गया। मंत्रोच्चार के बाद 106 दीपक जलाए गए और अग्निदेव का पूजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, सरकार पर कटाक्ष भी किए गए। झरिया की भूमिगत आग के 106 साल हो गए। भौरा के किसी इलाके में सबसे पहले ये आग शुरू हुई थी। धीरे धीरे कोयले को तो निगल ही रही थी, कई जिंदगियों को भी लील गई। सोमवार को सामाजिक संगठन इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल एमिटी ने अग्नि प्रभावित लिलोरी पथरा में एक अनूठा कार्यक्रम किया। ये कार्यक्रम भूमिगत आग से केवल 50 मीटर की दूरी पर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अग्निदेव के पूजन के साथ हुई। मंत्रोच्चारण अनुरित पांडे ने किया। आग को नियंत्रित करने, जागरूकता फैलाने के साथ सावधानी बरतने के लिए कोल्ड फील्ड चिल्ड्रन क्लासेस के छात्र समूह ने 106 मिट्टी के दिए जलाए। ये है अग्नि बंदना। ये झरिया भूमि है, झरिया कौलांचल भूमि जो 106 साल से पिछले 106 साल से आग लगा हुआ है, तो उस आग को शरण करते हुए मेनली उस आग के बारे में आदमी को और भी थोड़ा जानकारी देने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग इस प्रोग्राम को किए हैं, क्योंकि ये आग कोयलांचल का संस्कृति में भी जुड़ गया है, इसीलिए एक प्रोग्राम किए थे ये बच्चा लोग सब किया, एक बहुत सारे ब्यूटीफुल प्रोग्राम, ताकि ये सरकार तक ये आवाज़ पहुँचे कि आग के ऊपर में कंट्रोल का आप कुछ उपाय सोचिए। अगर ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा, इफ़ यू आर फेलियर, देन इस आग को एक फायर टूरिस्ट स्पॉट के हिसाब से इसको डिक्लेयर कीजिए कि यहाँ पर मैं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी वो स्कोप रहेगा, कि यहाँ का बहुत सारे आग आदमी लोग, विदेश आदमी लोग आकर देखना चाहते हैं, तो आग एक टूरिस्ट स्पॉट क्यों नहीं घोषणा करते, यहाँ का आदमी लोग को एक जनरेशन मिलेगा, या आदमी का भारत के इंडिया के भी आदमी लोग यहाँ पर बहुत सारे आएंगे। इफ़ द अपॉर्चुनिटी आप लोग पैदा कीजिए, जनरेट करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल एमिटी के संस्थापक पिनाकी राय ने कहा, कोयला और भूमिगत आग कोयलांचल के लोगों के लिए जीवन का हिस्सा बन गया है। लगता है कि अब आग बुझाना कंपनी के नियंत्रण से बाहर है। कोई प्रयास अब तक सफल नहीं हुए। उन्होंने कटाक्ष किया कि केंद्र और राज्य सरकार को झरिया के अग्नि क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित कर देना चाहिए। झरिया की आग को देखने के लिए हर साल कुछ न कुछ विदेशी पहुँच ही जाते हैं। अगर इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाए तो लोगों की भीड़ जुटेगी और आय के साधन भी सृजित होंगे। आपको ये भी जानना चाहिए कि विश्व का सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोकिंग कोल झरिया कोल फील्ड में ही है, और ये कोकिंग कोल देश के स्टील प्लांटों के लिए संजीवनी का काम करता है। झरिया में सोमवार को आयोजित अनोखा कार्यक्रम सरकार या BCCL का कितना ध्यान खींच पाएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये अपने तरह का लीक से हटकर कार्यक्रम था। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।